गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है जतिन शाह और हमारे चैनल का नाम है अपर्णा जतिन शाह। सो कल जैसे आप लोगों ने देखा कि मनीष आया हुआ था और हम लोग सब मनीष के घर पे गए थे, बिकॉज आवाज़ बहुत हो रही है, बिकॉज मल्लिका का बर्थडे था और वहाँ पे पाठ का आयोजन किया गया था, तो हम लोगों ने सारा सब कुछ अटेंड किया। आज हम लोग जा रहे हैं, आज एक्चुअली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक सिट डाउन वीडियो है वो हम लोगों को बनाना है और उसके बाद हम लोग वापस मनीष और मल्लिका से मिलेंगे, बिकॉज दे हैव प्लान समथिंग। सो हम लोग उनको ज्वाइन करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ हमारा आज का सेटअप। ये बैकग्राउंड के लिए नाना प्रकार का सामान है, ये कैमरा सेट हो गया है और ये भी बैकग्राउंड, ये भी एक सेटअप का नाना प्रकार इज डिफरेंट। सो व्हाई कांट यू से अलग अलग टाइप्स का थिंग्स है, बाजा में ऐसी बोलत है नाना प्रकार, नाना प्रकार तो इधर में नानी प्रकार बोल रही है। और ये भी एक सेटअप का हिस्सा है, ये जो बैठा हुआ है, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो चलो जल्दी, बहुत काम है आज, बहुत सारे वीडियोस हैं। सो कल जैसे कि हम लोगों का सबका प्लान था कि हम लोग सनीज वर्ल्ड जाएंगे, तो यहाँ है हम सनीज वर्ल्ड में। सनीज वर्ल्ड एक बहुत अमेजिंग रिसॉर्ट है और ये है शुष्क पाषाण रोड पे पुणे में, और हम लोगों का प्लान था, सोचा कि हम लोग तो जा ही रहे हैं तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और यहाँ आने के लिए आपको बिल्कुल जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आप अपनी बाइक कार किसी से भी आ सकते हैं, वेल कनेक्टेड है। और ये है मल्टीपर्पज़ गार्डन जहाँ पर शादी बर्थडे पार्टीज वगैरह सब करते हैं। मैं अपने फ्रेंड की शादी में एक बार आया था एंड वी हैड अ ब्लास्ट। सो इस बार हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी क्योंकि हमने सोचा कि वहीं जाके बुकिंग करेंगे। हमारी फ़ोन पे बात हो गई थी, रूम्स अवेलेबल थे, तो पहले चलते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और फिर मिलते हैं मनीष से। सो हम लोग आ गए सनीज वर्ल्ड एंड क्लाइमेट इज़ अमेजिंग। मनीष आ गया है, मनीष वहाँ पे है, अपना मनीष वहाँ बैठे हुए हैं। अब उन्होंने फिलहाल अभी कार अपनी यहाँ पार्क कर दी है, हम लोग जा रहे हैं कार्ट में। सो वील जस्ट फाइनलाइज द रूम, कौन से रूम में हम लोगों को रुकना है, और उसके बाद मैं आप लोगों को टूर कराता हूँ हमारे रूम का। हाय मनीष। हेलो, मैं फिर से आ गया, देखो आपका प्यारा, आपका दुलारा मनीष नागदेव। सो हम लोग क्या बोलते कार्ड को, टक टुका, क्या बोला? इसे कहते हैं लकटकिया कार्ड, क्या बोलते हैं? हेलो, लकटकिया कार, लकटकिया कार में बैठ चुके हैं। अब हमें भैया जा रहे हैं रूम्स दिखाने के लिए, तो हम लोग को सिलेक्शन करना है कि हम लोग टोपाज ग्लास एसी टेंट है और एक है वुडन कॉटेज, है ना? दोनों मस्त रहेगा आपका, कौन सा वाला मस्त रहेगा? ये वाला ग्लास टेंट, ग्लास टेंट ना। तो भैया और मलिका पीछे आ रहे हैं, स्लो चलो, पीछे गाड़ी भी आ रही है हमारी। सो हम लोग अभी आए हैं वुडन टेंट्स देखने के लिए, तो चलिए मेरे संग संग आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सो ये लाइन से आजू बाजू ये सारे वुडन टेंट्स हैं। नहीं, ये ग्लास टेंट नहीं है, ये वुडन टेंट ही है। सो ये है वुडन टेंट, नाइस एंड कोजी। यहाँ पे एक सोफा कम बेड भी है, क्वीन साइज बेड, लाइटिंग वगैरह भी बहुत अमेजिंग है एंड आई लाइक इट। इसका टैरिफ 5000 प्लस टैक्सेस है अप्रोक्सीमेटली। बाहर एक बालकनी भी है, उसका भी व्यू बहुत ही अमेजिंग है, बाहर आप आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं एंड द व्यू इज टू डाई फॉर। Nice cozy bathroom and they have cupboards also, extra sheet yahan rakhi hui hai, you have fridge, you have locker, I think cozy hai. Sabke sab yahi aake meri biwi ko akela chhod diya, maine pucha unko to gaadi thodi yahan chhod ke, nahi maine pucha unko ki main unke paas baith ja, main chal raha hu, main ye chal, are I was going there. सो वुडन टेंट्स देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब टोपाज ग्लास टेंट्स देखने। देखते हैं अब दोनों में से हमें कौन सा अच्छा लगता है। आई थिंक आई एम डेफिनेटली गोना लाइक दिस वन बिकॉज ये काफ़ी खुला खुला है, बहुत ओपन है और व्यू भी इसका बहुत अच्छा है। मैं आसमान के नीचे नहाऊंगा आज, और तू नहाया ऊपर से छिपकली गिरी। ऊपर कौवे तो नहीं आएंगे ना?
तू नहा वहां से मैं शूट कर रहूंगा ऊपर खड़े होके। मैं यहाँ नहाऊंगा। इतनी खुशी। अरे कोई बात नहीं करी। बोरी बोरी पीछे दोनों एंगल से शूट होने चाहिए ना, सबको पता चलना चाहिए कि हमारे रूम में क्या क्या फैसिलिटीज है। मैं तेरे संग आ रहा हूँ, टेंशन मत ले तू। ये देखो तो ऊपर से भी खुला है और यहां से नहीं खोल सकते आप। दीज आर सफारी टेंट्स और मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको ये कैसा है। ये पूरे ग्रुप के लिए बना हुआ है अंदर। ग्रुप? यहाँ पे तो पार्टी कर सकते हैं 10 लोग। सो ये अगर आप बड़े ग्रुप के संग हैं, बड़ी फैमिली है आपकी, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पे 3 बेड्स थे तो मतलब 6 लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और एग्जैक्टली सेम सामने की तरफ है, उसकी चाबी नहीं थी हमारे पास इसलिए वो अभी बंद है। वॉशरूम्स अलग अलग दिए गए हैं, काफ़ी स्पेशियस है। एंड आई थिंक अगर आप 10-12 के ग्रुप में हैं तो दिस रूम इज़ परफेक्ट फॉर यू। मलिका ने फोन खो दिया था अपना, बड़ी मुश्किल से फोन मिला। तो सनीज वर्ल्ड में फोन गुम हो गया था और हमें पहला एडवेंचर हो चुका है हमारे संग। अब दूसरे एडवेंचर के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक घंटा लगा ढूंढने में, फाइनली फोन मिल गया। राखी बांध चुके हैं, पैसे ले लो इनसे। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम सीधा एडवेंचर पार्क ना। लेट्स गो। मनीष लोग अभी रूम में चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद वो लोग एडवेंचर पार्क में पहुंचेंगे, हम लोग पहले पहुंच जाते हैं। सो फॉर ऑल दोस पीपल हु आर प्लानिंग टू कम, एडवेंचर पार्क का आप अलग से भी पासेस ले सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी दैट यू हैव टू स्टे हियर। दैट वाज चार्जेबल एट 500 प्लस टैक्सेस। सो टोटल कितना पे किया आपने? 590 इन टोटलिटी। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। सो इट्स ऑलरेडी 4:30, हमें भी भूख लगी थी, बट देन दैट गाय सजेस्टेड कि अगर आप लोग को करना है सब कुछ कवर, आप लोग नहीं कर पाओगे आफ्टर रेस्टोरेंट। सो वी आर जस्ट गोइंग डायरेक्टली देयर, उसके बाद आई थिंक वी विल एंड अप ईटिंग समथिंग। दिस एडवेंचर रिसॉर्ट एंड द रेस्टोरेंट, यहीं से जाना है आई थिंक। हां, दैट्स द एंट्रेंस। दिस इज द पार्किंग। सो हम लोग आ गए हैं एडवेंचर पार्क में।